लगी थी परले मैंने पिछले लगी थी अग अगे लिया अगे परले बने ज्यादा हेलो वो है पीएचई वो क्या कहते हैं उसको यहाँ पर टैंकी टैंकियाँ भरी जाती हैं पानी हाँ एक दो वो तीन चार पाँच सात गाड़ियाँ हैं पुरानी है शायद और इन्ना डस्ट है इन्ना कूड़ा है सारा रोड उड्डी इधर आता है म्यूनसीपल कमेटी की गड्डियां फिरा दी गाने लाइए पैसे सफाई कराने सफाई चूंडा बाधा करा सारा गंद रोड से पेदा है अज तो तूफान चलते पूरा रोड सारा इतना आता है और कूड़े की वजह करने डस्ट एक माड़ा एक लफावे अग लगती है जी इन्ना ब्लास्ट बनी है और अस आखना चाहते हैं डीसी साहब इस डिपार्टमेंट एक्शन लैन एक तो फायर ब्रिगेड जो महकमा है इस बाजार का कड़े जाए बाहर लिया जाए उसको कमेटी के कन्न पुटे जा सफाई डेली होनी चाहिए लफावे कुतू ज्यादा लफावे उड्डी तुम्हारे तूफान करने आते हैं जिसे कि अग का कारण बनते हैं इये मेन कारण है जय हिंद जय भारत सरकार की संपत्ति पूरा नुकसान होया तुस थाने चली जाओ थाने कम से कम लोग बेचारे बेरोजगार है ज्यादा फोड़ पिछू फोड़ खींचे चल चलान चल मोटरसाइकिल अंदर तू बेड़ियां पता चली जाओ 2000 मोटरसाइकिल लगे थाने चली जाओ 1000 मोटरसाइकिल लगे ना कोई चलान दे ना कोई बेचना सेल करो अगर तुम्हें फड़े सील किए सेल करो ना उन्दी उदो पैसा कोई कम लाओ डिपार्टमेंट का कम लाओ ये लोगों के कम आन टैक्स दे दिया पब्लिक एक बच्चा दुध की बोतल को लेकर अपनी पढ़ाई का भी टैक्स दे उतो ज्यादा पैसा हो बड़ी बड़ी नलायकी सामने बड़ी बड़ी एडमिशन की नलायकी है सिर्फ एसियां बैठे ने इंदे अज अफसर आन दो अज एसी नवा अज गड्डी नवी लेकिन पीएचई की गड्डी खराब होती नवी लोगों वास्ते गड्डी नहीं है कंडी लाके पानी आए कोई किसी एक गड्डी नहीं है वो भी अगर कोई गड्डी हो प्राइवेट लगाई होनी है गवर्नमेंट कोई गड्डी नहीं है जय हिंद जय भारत जी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि अगे इसमें नुकसान नहीं तो बोला ये अभी ऑफिस में बैठे हुए थे कोई 5:25 5:30 से बैठ के बाद है ऐसे फोन आया हमारे किसी एक हमारा एक टैंकर ड्राइवर है वो फील्ड में था उसको कहीं या फिलिंग स्टेशन से मैसेज गया तो हमें फोन आया कि ऐसे आ गया ये यहाँ पर गाड़ियाँ ये सारी कंडम्ड व्हीकल्स हैं ओके ये कोई 8-9 हैं काफ़ी देर से कंडम
तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, ये अभी कारण तो पता नहीं है कैसे हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने बड़ी एफर्ट करके कंट्रोल में कर लिया है सारी, कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर फिलिंग स्टेशन भी है, एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई थी, दूसरी बाद में आई, लेकिन उससे तब तक फायर कंट्रोल में आ चुकी थी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ फिलिंग पॉइंट भी था, वो साथ साथ गाड़ी भर भी रही थी और साथ साथ आग बुझा भी रहे थे फायर ब्रिगेड के लोग। काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया। यहाँ पर हमारे लोकल लीडर्स भी हैं कुछ, वो भी आए हुए थे, और जनता पब्लिक लोकल लड़के हैं, उन्होंने भी काफ़ी साथ में। कितनी गाड़ियों को दर्शन, कितने वाहन जो हैं इसमें? इसमें कुछ 5 वाहन इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन सब कंडेम्ड है, वर्किंग कंडीशन में कोई भी नहीं है। वर्किंग कंडीशन में हमारे पास जो एक गाड़ी है वो ऑलरेडी फील्ड में ही थी, यहाँ पर ये सब कंडेम्ड भी करना है, लेकिन फिर भी चलो कंट्रोल में है स्थिति। फायर ब्रिगेड ने बड़ा अच्छा काम किया कि टाइमली इसको कंट्रोल कर लिया। अगर ये आग फैल जाती तो आसपास वाले एरिया, सबसे बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि साथ में कोई घर नहीं है लोगों के, पीछे पार्क है, पीछे रोड है, तो इसे काफी अच्छे बचाव हो गए। मीन्स कि किसी का घर साथ में होता तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती थी, जानमाल का नुकसान हो सकता था। टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, क्या उसकी वजह से भी कारण हो रहे हैं? ये कारण तो अब आप लोग भी सब जानते हैं कि कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी इंक्वायरी अगर होगी तो पता चलेगा कहाँ से आई, क्या हुआ, हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट, वैसे यहाँ पर ऊपर बिजली की तारें भी हैं, क्या पता वो कारण हुआ है या कहीं से चिंगारी कोई आई है कहीं से, वो अभी हमें पता नहीं चला। हम यहाँ पहुँचे तो आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फोन किया था वो आ गई, अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल में हो गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गाड़ियाँ, सबसे पहला पॉइंट है गाड़ियाँ कंडम्ड हैं, तो हमारी वर्किंग पे प्रॉपर्टी का लॉस नहीं, वर्किंग पे जो टैंकर सर्विस की वर्किंग है उसमें कोई असर नहीं है इसका, पुरानी गाड़ियाँ थी, फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल में कर लिया सब कुछ, स्थिति कंट्रोल में। थैंक यू सर।